जार्ड संस्था के चुनाव 29 जुलाई को आयोजित किए गए थे, जिसमें 105 कॉलिजियम सदस्यों का चुनाव किया गया था। चुनाव को शांतिपूर्वक बनाने के लिए 105 वार्ड बनाए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद से जाट संस्था की राजनीति गर्मा गई है। कई मेंबर प्रधान पद के चुनाव की प्रक्रिया से खुश नहीं हैं। वे इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मेंबर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि चुनाव से पहले मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्र प्रकाश ने मेंबरों के द्वारा कमेटी के निर्माण की लिखित कॉपी दी थी, लेकिन मेंबर के चुनाव के बाद उन्होंने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मेंबर प्रधान का चुनाव करेंगे जबकि प्रधान कमेटी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। 29 तारीख को जो चुनाव कॉलेजियम मेंबर्स के हुए थे, उनके बाद जो प्रत्याशी जीत करके आए, तो चंद्र प्रकाश जी ने एक कॉपी ऑर्डर की उनको दी थी अगले चुनाव के लिए, जो ऑफिस बियरेज का और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का होना था। उसमें ये साफ साफ है कि जो ये कॉलेजियम मेंबर चुन करके आए हैं, यही अब ऑफिस बियरेज और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का इलेक्ट करेंगे।